हेलो गुड मॉर्निंग टोलिफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो इतिहास है उसके तीसरे चैप्टर को, उसके एमसीक्यू सीरीज को लगाएंगे लोग, और उसी के साथ साथ तीसरा और चौथा दोनों चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। पहला और दूसरा चैप्टर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं लोग, उसका एमसीक्यू हमने अपलोड कर दिया। आप सभी नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ आएंगे लोग तीसरे चैप्टर का। तीसरे चैप्टर आप एनसीईआरटी में जाइएगा तो चैप्टर का नाम लिखा होगा ग्रामीण क्षेत्र पर शासन का चलना, ठीक है। तो जो अंग्रेजों का अब ग्रामीण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, कौन कौन सा विद्रोह इसमें आता है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल समझेंगे लोग। और ये एमसीक्यू सीरीज जो है, ये आप सभी को मैं कई बार बता चुका हूँ कि इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी यानी बिहार बोर्ड दोनों को एक ही साथ कंबाइंड करके बताया गया। चीज़ें मिस नहीं होगी, छूटेगी नहीं, सारी चीज़ों को मैं डिटेल वे में समझाने की कोशिश करूँगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो लिखा हुआ है ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे। तो ब्रिटेन का जो प्रसिद्ध कवि थे या कलाकार थे उनका नाम था विलियम मॉरिस। क्या नाम था भैया? तो विलियम मॉरिस नाम था। अब ये जो विलियम मॉरिस थे, पहली बात इनके समझने वाली बात क्या है कि विलियम मॉरिस को जो जाइएगा किताब में देखिएगा तो पहला ही शुरू वाला ही पेज में आपके इनके बारे में मिल जाएगा। और ये विलियम मॉरिस जो थे ना, ये कपड़ा डिजाइन करने से लेकर कवि थे, लेखक थे, बहुत सारी चीज़ें इनके लिए क्रियाएं फेमस थी। और ये एक इनकी कविता है, कविता काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। और ये अक्सर ये इनकी कविताएँ जो थी नी, ये विक्टोरियन कविताएँ के लिए ज़्यादा फेमस थे। यानी विक्टोरियन कविताएँ जो होती है वो जीत वाली कविता जो है ना, तो विक्टोरियन कविताओं के लिए ज़्यादा फेमस थे कौन? विलियम मॉरिस। और इनके जो काव्य है, जैसे एक काव्य है याद रखिएगा, एक काव्य का नाम, बाय द वे क्वेश्चन पूछ दे तो उनके काव्य का नाम याद रखिएगा, द अर्थली पैराडाइज, ठीक है। इनका काव्य का नाम है द अर्थली पैराडाइज, ठीक है। तो द अर्थली पैराडाइज किनका जो काव्य है तो ये है विलियम मॉरिस, ठीक है। दूसरा एक काव्य बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है द डिफेंस ऑफ गाइनेवर, ठीक है। तो याद रखिएगा द डिफेंस ऑफ गाइनेवर जो है, ये दो काव्य जो है इनका बहुत ज़्यादा फेमस है। किनका? विलियम मॉरिस का। और ये प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे अंग्रेजी शासनकाल के समय में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से थे। तो जो नील की खेती के दो मुख्य तरीके, आप लोग एनसीईआरटी जब पढ़े होंगे तो उसमें मिला होगा नीज और रैयत, नीज और रैयत। वही जब बिहार बोर्ड पढ़ाए थे आप लोगों को तो उसमें मिला था जिराती और असामी बार, सेम चीज़वा का अलग अलग नाम है, ठीक है। जैसे बिहार बोर्ड में इस नीज को लिखा है जिरात, क्या है? जिराती। और इसको लिखा रैयत को लिखा असामी बार। क्या लिखा भैया? असामी बार, असामी बार लिखा है। दो जगह अलग अलग नाम दिया है तो दोनों नाम याद रखिएगा। अगर एग्जाम में बाय द वे क्वेश्चन पूछे कि नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से हैं और उसमें नीज नहीं दिखे, रैयत नहीं दिखे, उसके जगह पर क्या दिखे? असामी बार और आपका ये रैयत और ये जिरात और असामी बार दिखे, ठीक है। तो जिरात और असामी बार दिखे, मतलब कि क्या है कि नीज के जगह पर लिखा हो जिरात और इसके जगह पर लिखा हो असामी बार। और उसके बाद नीचे दे दो डी नंबर, तो आपको पता ही है ऑलरेडी इसमें दिया रहता है कि इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ई नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो आप अगर सिर्फ एनसीईआरटी देखे होंगे तो आपको लगेगा कि भैया नीज ना दिया है ना रैयत दिया है, इसका मतलब जो ये जिरात और असामी बार दिया है ये गलत हो गया, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दोनों को पढ़िए, और दोनों को मैं पढ़ा भी चुका हूँ। आप थ्योरी क्लास नहीं देखे होंगे तो देखिएगा ज़रूर, उसमें बहुत डिटेल में यहाँ तक कंपेयर करके भी पढ़ाया हूँ दोनों को। किताब का ही पीडीएफ एकदम डिटो पढ़ा देता हूँ, अलग इधर उधर से कहीं से भी नहीं। अगर वहाँ से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि नीज और रैयत वाड़ी क्या है, कौन सी व्यवस्था है। मैं यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, नीज का मतलब क्या होता है कि जो बगान मालिक थे, यानी कि जो बड़े बड़े ज़मीनों के जो मालिक थे, उनसे अंग्रेज डायरेक्ट उन्हीं से खेती करवाते थे, ठीक है। उन्हीं को अंग्रेज अपने देख रेख में बगान मालिकों से डायरेक्ट खेती करवाते थे, तो उसको बोला गया नीज, या उसी को बोला गया जिरात। और वही असामी बार या रैयत, असामी बार या रैयत देखा जाएगा तो रैयतों से यानी छोटे छोटे जो लोग थे, जो किसान थे, उन रैयतों से क्या किया जाता था, एग्रीमेंट बनवाते थे अंग्रेज, अनुबंध से एग्रीमेंट के जरिए उनसे नील की खेती करवाते थे, या समझिए कि ज़बरदस्ती भी करवाते थे। ज़बरदस्ती कैसे? उनको किसी न किसी तरह से कर्ज के रूप में फंसा देते थे और कर्ज चुकाने के नाम पर उनसे नील की खेती करवाते थे, ठीक है। तो बहुत सारी व्यवस्था थी इन दो व्यवस्थाओं में, इनमें दो व्यवस्थाएं जो है नील की खेती काफ़ी प्रचलित हुई। एक तो एक था नीज, दूसरा रैयत, वही बिहार बोर्ड के हिसाब से देखेंगे तो एक था जिरात और दूसरा असामी बार। ये दोनों नाम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो बोर्ड पौधा कौन से क्षेत्र में उगाया जाता है। पहली बात कि बोर्ड पौधा है क्या, जानते रहेंगे तब ना पता रहेगा कि कहाँ उगाया जाता है, किस क्षेत्र में उगाया जाता है। पहली बात कि बोर्ड पौधा है क्या भाई, तो जो बोर्ड पौधा है ना, जैसे सिंपल समझिए, अपना यहाँ इंडिया में जो नील के पौधा था,
सेम यही पौधा जब यूरोप में उगाया जाता था, है ना, यानी कि यूरोपियन ठंडे प्रदेशों में, यूरोपीय प्रदेशों में जब उगाया जाता था, तो वो पौधे का नाम था बोर पौधा। ठीक है, यानी कि नील की खेती होता था किस काम के लिए, नील के पौधे से क्या काम किया जाता था, नीले रंग प्राप्त होती थी और वो ये नीले रंग अलग अलग कलर में उपयोग किया जाता था, मतलब नीले कलर के रूप में इसका उपयोग किया जाता था, कपड़े में इसका यूज किया जाता था नील लगाने में। ठीक है, तो यही सेम काम होता था बोर्ड के पौधा से, यानी कि जो नील के पौधा काम करता था वही काम करता था बोर्ड का पौधा। जब तक नील के पौधा का वर्चस्व पूरी दुनिया में नहीं था, तब उससे पहले यानी शुरुआती समय में यूरोप में, है ना, यूरोपीय या पूरे यूरेशियाई देशों में जो ठंडे प्रदेश थे उन एरियाओं में बोर्ड के पौधा का प्रचलन ज़्यादा था, नील के कलर करने के लिए या नीले रंग का उपयोग करने के लिए, यानी नीला कलर का रंग कलर यूज करना है तो किस पौधे से यूज करेंगे, तो बोर्ड के पौधा से। अब ये बार बार ठंडे प्रदेश बोल रहा हूँ, तो आप बताइए किस कटिबंध में होगा। कटिबंध में कई बार बताया आप सबको ज्योग्राफी में भाई कि कौन से कटिबंध में होगा, तो आपका सीधे सीधे दिख रहा है कि शीतोष्ण कटिबंध में होना चाहिए, आंसर तो आपको दिख गया। अब और कुछ इसमें से खास चीज़ें जान लीजिए बोर्ड के बारे में। जो बोर्ड जो पौधा था ना, वो तो नीले कलर के लिए उपयोग होता है। भारत का जो नील का जो पौधा था, ये नील के पौधा का डिमांड जो है दुनिया में कम था शुरुआती समय में, क्योंकि भारत के नील के पौधे को जाना ही नहीं देता था लोग यूरोप वाले क्षेत्रों में। लेकिन बाद में लोगों को धीरे धीरे ये एहसास हो गया कि जो बोर्ड के पौधे का जो जिस जो कलर छोड़ता है ना, यानी जो कलर देता है, वो उतना ज़्यादा मतलब एट्रैक्टिव नहीं होता, उतना ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं होता जितना कि नील के पौधा होता है। यानी नील के पौधा कंपेयर टू बोर्ड के पौधा से किया जाए तो नील के पौधा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था नील के नीले कलर प्रदान करने के मामले में। ठीक है, यानी रंग ज्यादा कौन देता था, तो नील का पौधा देता था, जिसके वजह से धीरे धीरे बाद में नील के पौधे का वर्चस्व बढ़ने लगा और बोर्ड के पौधे का वर्चस्व घटने लगा। ठीक है, और बाद में जाके नील के पौधा जो है पूरी दुनिया में छा गया। ठीक है, खासकर यूरोपीय जो पश्चिमी वेस्टर्न जो एरिया था उस एरियाओं में। ठीक, अगला क्वेश्चन आएंगे तो शीतोष्ण क्षेत्र समझ आ गया आप लोगों को। अगला लिखा है कि बोर्ड का जो पौधा है वो किन किन देशों में अधिक होता है, तो वो जो उन सभी देशों में ही अधिक होगा जो यूरोपीय देश है। तो यूरोपीय देश में कौन सा है, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, सब हो जाएंगे जितने भी नाम दिख रहे हैं इसमें से। जो एशियाई देश में वो भी दक्षिण साइड के से, यानी हमारे भारत के आसपास का अगर जगह का नाम नहीं दिया है तो बाकी सारे जगह हो जाएंगे जो यूरोपीय देशों का नाम होगा। अगला लिखा है कि नील की खेती के लिए किस प्रकार की भूखंड की जरूरत है, मतलब नील की खेती करने के लिए छोटे छोटे जमीन पर हो सकता है कि बड़े जमीन चाहिए। तो भैया नील की खेती करने के लिए बहुत बड़े बड़े भूखंड की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि नील की खेती बहुत बड़े स्तर पर करना रहता था। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि जबरन खेती में कौन सी फसलें आती थी, मतलब कि अंग्रेज जो है ज़बरदस्ती कौन कौन से फसलें उगाते थे भारतीय लोगों से ज़बरदस्ती के तौर पर, भैया कि ये फसल उगाइबे करो, तो वो तक कॉफ़ी, तंबाकू और चाय, ये सभी फसलों को ज़बरदस्ती उगाया जाता था, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है कि यूरोपीय बाज़ारों में किस चीज़ की मात्रा कम थी, है ना, तो किस चीज़ की मात्रा अगर यूरोपीय बाजार में कम थी, तो शुरुआती समय में नील की जो पौधे थे ना, इसका डिमांड जो यूरोपीय बाजार में कम था, बाद में धीरे धीरे इसका डिमांड बढ़ेगा। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील की भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था, तो देखिए 1788 में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 1788 में मात्र 30% ही नील का व्यापार होता था, जो नील था भारतीय नील जो था, और बाद में देखिए कितना तेज़ी से बढ़ेगा। अब यहाँ लिखा है कि मॉरिश कॉटन छपाई कहाँ पर होती थी, कहाँ पर होती है, तो ये मॉरिश कॉटन जो है ना, पहली बात की जो मॉरिश कॉटन है ये इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा फेमस है। कहाँ फेमस है भैया, इंग्लैंड में फेमस है। और वही एक और था ना, जो किताब में आप लोग देखे होंगे लिखा होगा था, एक यहाँ फोटो बना हुआ था, एक ऐसे यहाँ फोटो बना हुआ था, जिसमें यहाँ में लिखा था मॉरिश के बारे में और यहाँ पर लिखा हुआ था आप लोगों को कलमकारी छापा जो था, जो 20वीं शताब्दी के आसपास में ये दोनों फेमस थे लोग। मॉरिश कॉटन जो था ना, वो विलियम मॉरिश के द्वारा बनाया गया, और ये विलियम मॉरिश के द्वारा जो बनाया गया जो छपाई था, वो कॉटन छपाई था, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ठीक है, विलियम मॉरिश के द्वारा बना हुआ, और ये जो मतलब कि मॉरिश कॉटन छपाई जो था वो इंग्लैंड यानी यूरोपीय देशों में ज़्यादा फेमस था। कहाँ फेमस था भैया, यूरोपीय देशों में ज़्यादा फेमस था। और वही अगर आंध्र प्रदेश में यह दिया है, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा हो जाएगा, तो कलमकारी जो छापा थी, ये जो विकास हुआ था वो हमारे देश आंध्र प्रदेश में ज़्यादा प्रसिद्ध था, यह फेमस था। ठीक है, यहाँ पर कौन सा, तो कलमकारी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला जी, गुलामों ने बगावत कर दी, सॉरी गुलामों ने बगावत कब की थी,
तो पहली बात कि गुलाम ने बगावत कब की थी, ये तो आंसर यहाँ से बता दिया जाएगा तो समझ आ जाएगा। लेकिन गुलाम कौन थे, क्यों बगावत किए, क्या वजह था, ये सब के बारे में जानते हैं लोग। ये गुलाम बात कर रहा है किन की गुलाम की बात कर रहा है, तो ये अफ्रीकी गुलाम की बारे में बात कर रहा है। कौन से गुलाम की यहाँ बात हो रही है, अफ्रीकी गुलाम की बात हो रही है। और ये जो अफ्रीकी गुलाम थे इनसे जबरन नील की खेती करवाया जाता था, इन्हें टॉर्चर किया जाता था। अब कहाँ पे होता था नील की खेती, तो कैरेबियन द्वीप समूह जो था एरिया, तो कैरेबियन द्वीप समूह वाले एरियाओं पर अफ्रीकी नागरिकों को जिन्हें गुलाम कहा जाता था उन्हें खरीद के ले जाके वहाँ पर ज़बरदस्ती खेती कराया जाता था, जिसके कारण लोगों ने वहाँ पर तंग आकर अपने जो 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 एरिया था कैरेबियन द्वीप समूह वहाँ पर गुलामों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, क्या कर दिया, बगावत कर दी। और ये बगावत हुई थी 1791 में, कब हुआ था भैया, 1791 में ये बगावत हुई थी, उसी को कहा जाता है कि गुलामों का बगावत। इसके बगावत को जैसे वहाँ पर जो नील का जो खेती होता था, यानी नील के कहने का मतलब क्या है, बोर्ड जो पौधा होता था एक्चुअली उन एरियाओं में क्या होता था, बोर्ड का पौधा, तो बोर्ड के पौधे का जो है ना वो मार्केट जो है घट गया। क्या घट गया, क्योंकि उसकी फसल का पैदावार ही कम हो गया, क्योंकि सब लोग बगावत कर दिए, तो उसके मजबूरी वश नील की पौधा जो है भारतीय नील के पौधा यूरोप में जाने लगा। जब यूरोप में जाने लगा तो लोग जब नील के पौधा का यूज किए तब एहसास किए कि भाई साहब ये तो बोर्ड के पौधा से ज़बरदस्त है नील का पौधा। यही कारण है कि बाद में आगे जाके भारत में नील की खेती को ज़बरदस्ती अंग्रेजों कराना शुरू करेंगे, क्योंकि भैया आपका नील का जो पौधा है वो बोर्डो के पौधा से क्या है, बहुत ज़्यादा अलग है, डिफरेंट है, बेहतर है, ठीक है। तो ये बगावत हुआ, बगावत के बाद हमारे नील के पौधा जो है फेमस हुआ, फेमस होने की वजह से किसानों की हमारी देश की हालत ख़राब होने लगी, क्योंकि अंग्रेज़ ज़बरदस्ती कराने लगे। अगला लिखा हुआ है, गांव में मुखिया से भू राजस्व से लेना क्या कहलाता था। तो देखिए गांव का मुखिया हो या पूरे गांव को हुई एक पूरे गांव को ही दे दिया गया कि भैया अपना यहां पर खेती बाड़ी कीजिए और वहां से जो भू राजस्व यानी टैक्स जो है वो सीधे गांव के लोग ही मिलकर दे दीजिए, तो इस व्यवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। एक बार तीनों व्यवस्था का ध्यान से देखते हैं तो समझ आ जाएगा आप लोगों को। तीनों व्यवस्था देखेंगे तो भू राजस्व यानी ये भू राजस्व मतलब होता है भूमि पर जो व्यवस्था, अंग्रेजों द्वारा तीन प्रकार के भू राजस्व की व्यवस्था की गई थी। शुरुआती समय में व्यवस्था जो लाया गया था उस व्यवस्था का नाम था स्थाई बंदोबस्त। क्या नाम था भैया, स्थाई बंदोबस्त। इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। अब इसे क्यों कहा जाता है, स्थाई बंदोबस्त मतलब क्या था कि वो जो टैक्स फिक्स किया गया था वो परमानेंट फिक्स कर दिया गया था, ठीक है, कि भैया आपको टैक्स इतना ही देना है, फिक्स कर दिया गया था भैया आपको ना। अब उस स्थाई बंदोबस्त में क्या व्यवस्था था कि उसमें जैसे था ना, जैसे मान के चलिए कि जैसे 100 बोरा हुआ, 100 बोरा में से क्या करता था कि जो क्या करता था अंग्रेज जो रहता था वो 100 बोरा में से 40 बोरा ले लिया। कितना ले लिया भैया, 40 से ज़्यादा ले लिया, ठीक है, लगभग 45% ले लेता था। 40 पर मान के चलिए कि 45 बोरा अंग्रेज ले लिया। उसके बाद से एक मालिक को व्यवस्था रखता था अंग्रेज, क्या करता था, एक मालिक बना देता था, क्या करता था कि भैया आप लोग एक मालिक को बना के, यानी मालिक का नाम था जमींदार, है ना, क्या थे वो अंग्रेजों के, मान के चलिए एक तरह से अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए एक अधिकारी टाइप के थे जो लोगों से टैक्स वसूलते थे और टैक्स वसूल के अंग्रेजों को ले जाकर देते थे। अंग्रेजी यानी सिंपल समझिए, यहाँ आ गया अंग्रेज, ये हो गया जमींदार और ये हो गया किसान, ठीक है। अंग्रेज़ क्या किया, जमींदार से आया, बात किया जमींदार से, बोला कि तुमको हम एग्रीमेंट दे रहे हैं, तुमको काम सौंप रहे हैं कि इस एरिया में का पूरा राजस्व यानी टैक्स को वसूल के लाके दे देना, अगर जिस डेट को बोलेंगे उस डेट को तुम शाम तक ला कर नहीं दिया, ये सीधे डिटो लिखा हुआ है किताबों में NCERT में, याद रखिएगा कि अगर शाम तक यानी किरण ढलने से पहले तक अगर ला कर नहीं दिए टैक्स वसूल के, तो समझ जाना तुम्हारी जमींदारी को रद्द कर दिया जाएगा, क्या कर दीजिए भैया, तुम्हारी जमींदारी छीन ली जाएगी, ठीक है, समझ रहे ना। तो ये अंग्रेज टॉर्चर करते थे किसको, जमींदार को, जमींदार टॉर्चर करता था किसान को, ठीक है। अब जमींदार जो था ना, जमींदार क्या करता था, बीच में जो जमींदार है एक तरह से अंग्रेजों के तरह से जो बीच में काम कर रहा किसान और अंग्रेज के बीच में, तो ये जमींदार भी टैक्स के रूप में लेता था, ठीक है। तो वही बोल रहा था कि मान के चलिए कि 100 बोरा अगर अनाज हो रहा है तो 100 बोरा में से जो जमींदार था वो जमींदार जो है 15 बोरा रख लेता था, कितना भैया 15 बोरा जो है ये अकेले रखता था, 15 बोरा ये रखता था, 45 बोरा ये रखता था, कौन रखता था 45 बोरा, ये दोनों मिला के कितना हो गया 60 बोरा हो गया, बचा कितना भैया तो 40 बोरा बचा, यानी कि 45% अंग्रेज, 15% जमींदार और 40% किसान के पास बचता था, यानी जो दिन रात का के मेहनत किया उसको 40% बचता था। अब इसमें होता क्या था कि कभी कभी जमींदार जो है ये घपाला करते थे, है ना, 15 बोरा की जगह पर ज़्यादा ले लेते थे, अंग्रेजों को कम देते थे, किसानों को भी कम देते थे, इससे क्या होता था ना, इस व्यवस्था में जमींदारों को ज़्यादा फायदा होता था। और ये व्यवस्था कहाँ लागू थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, बनारस और उत्तरी कर्नाटक वाले क्षेत्रों में ये लागू था।
कितने परसेंट एरिया में लागू था, तो याद रखिए 19% एरिया में ये लागू था। कौन सी बात कर रहा हूँ, स्थायी बंदोबस्त वाली व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसने लागू करवाया था, तो क्वेश्चन पूछ दे कि कौन अंग्रेज लागू करवाया था, तो याद रखिएगा कॉर्नवालिस ने लागू करवाया था। कब लागू करवाया था, तो 1793 में, ठीक है। ये सब स्थायी बंदोबस्त के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ आ गया। अब स्थायी को छोड़ के आगे बढ़ेंगे लोग, रैयत वाली व्यवस्था के बढ़ेंगे लोग। अंग्रेजों को बाद में समझ आया कि भाई जमींदार जो बीच में है ना, ये डिस्टर्ब कर रहा है, जमींदार जो है ज़्यादा खा ले रहा है, हमें कम मिल रहा है, किसानों को कम मिल रहा है, ठीक है। तो उसने दिमाग लगाया, क्या किया बाद में, टॉमस मुनरो के शासनकाल में, टॉमस मुनरो के शासन एक नई भू राजस्व की व्यवस्था आई 1820 के आसपास में, ठीक है। कब भैया, 1820 के आसपास में ये जो व्यवस्था है ये लागू किया गया बम्बई में, मद्रास में और असम वाले एरियाओं में लागू किया। कौन सी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और ये जो व्यवस्था है पूरे जो अंग्रेज़ों के एरिया में जो जितना भी ज़मीन कब्जे में था उस कब्जे का 51% एरिया में ये लागू किया गया, यानी 19% एरिया में स्थायी बंदोबस्त था, 51% एरिया में कौन सा था, तो 51% एरिया में रैयतवाड़ी व्यवस्था था, ठीक है। टॉमस मुनरो द्वारा लाया गया 1820 ईस्वी में। इस व्यवस्था में डायरेक्ट जो है किसानों से बात किया गया, और किसान और अंग्रेज बीच में कोनो दलाल फलाल को भर्ती से हटा दिया गया, और अंग्रेज डायरेक्ट जो थे वो किसानों से बात करते थे और 50-50 अपना बात लटे थे। इससे क्या हुआ कि किसान का भी थोड़ा बहुत फायदा होने लगा कंपेयर किया जाए स्थायी बंदोबस्त से। तो हालांकि जितना भी भू राजस्व व्यवस्था था, सारे भू राजस्व व्यवस्था में किसानों की हालत मतलब दिन पर दिन ख़राब होते जा रही थी, फिर भी स्थायी बंदोबस्त से जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो थोड़ी सी बेटर होने लगी, ठीक है। उसके बाद आया महलवाड़ी व्यवस्था। अब महलवाड़ी व्यवस्था जो ये किसने शुरू किया था, ये किसके शासनकाल में आया था, तो विलियम बैटी के उसमें शासनकाल था 1830 और 33 के आसपास में ये जो व्यवस्था आती है, ठीक है। कौन सी, महलवाड़ी वाली व्यवस्था। और ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब वाले कुछ क्षेत्रों में ये लागू था, ठीक है। और ये पूरी जितना भी कब्जे वाला एरिया था उस कब्जे वाले एरिया का लगभग 30% एरिया में, 29-30% एरिया में क्या था भैया, तो ये महलवाड़ी व्यवस्था था। याद रखिएगा बिहार बोर्ड की किताबों में रैयतवाड़ी 52% देता है और जो महलवाड़ी है वो 29% देता है, जबकि NCERT में रैयतवाड़ी 51% देता है और जो महलवाड़ी है वो आपको देता है 32% लगभग, 30% दे देता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोनों में थोड़ी सी अलग है, दोनों को आप लोग याद करके बढ़िया से पकड़ के रखिएगा, ठीक है, समझ आ गया। आप लोग इसमें भी 50-50% किसान को रखना था, 50% अंग्रेज देना था, दोनों समझ आ गया। महलवाड़ी, महल का मतलब ही होता है गाँवों का समूह, तो गाँवों के समूह का कोई एक हेड बना दिया जाता था और उस हेड का काम था कि पूरे गाँवों से भू राजस्व वसूल कर अंग्रेजों को देना, जैसे गाँव का मुखिया हो गया। तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है किसमें थी, तो गांव के मुखिया में, ये गांव के मुखिया जो राजस्व वसूल के देते थे, ये वाली व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन आएंगे, नील की खेती कैसी ज़मीन पर की जाती थी, तो नील की खेती हमेशा उपजाऊ होता था, लेकिन नील की खेती करने के बाद वो ज़मीन बंजर पड़ जाता था। अगला क्वेश्चन, कलमकारी और मॉरिश कॉटन छपाई कौन से रंग का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, या कौन सा इस्तेमाल होता था इस छपाई में या कलमकारी में, तो नीले एक रंग का ज़्यादा उपयोग होता था, यही कारण है कि जो बोर्ड का पौधा या नील के पौधा का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन था। 1810 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था, अब देखिए ध्यान से, 1788 या 80 के आसपास में देखे थे तो उसमें मात्र 30% ही एरिया था, वही लगभग 30-40 साल में महज ही आपका जो है नील की खेती का जो वर्चस्व है पूरे यूरोप में 95% हो गया, कितना हो गया भैया, 95% हो गया, ठीक है, बताइए कितना तेज़ी बढ़ा, 30 से केवल 95 हो गया, क्यों, क्योंकि जो बगावत हुआ था ना, बगावत गुलामों द्वारा मॉरिशस द्वीप में, वहाँ पर जो बगावत हुआ था जिसका नतीजा हुआ कि नील की खेती जो है ठप होने लगी विदेशों में, उसे भारतीय नील खेती का वर्चस्व बढ़ गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्रदान की गई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली थी जब उसने जो इलाहाबाद की संधि कराया था 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज जो था उसके और जो शाह आलम द्वितीय थे उसके मध्य में हुआ था। क्यों हुआ था भैया, तो बक्सर की लड़ाई हार गए थे शाह आलम द्वितीय, जिसके कारण अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय से बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली या ले ली, कब लिया था, 12 अगस्त 1765 को। अगला लिखा है कि महलवाड़ी व्यवस्था को कब लागू किया गया था, तो ये महलवाड़ी व्यवस्था जो है वो अलग अलग किताबों में इसकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन देता है,
एनसीईआरटी में देखिएगा तो इसको 1832 के आसपास में दिया गया, जबकि बिहार बोर्ड में ये लगभग इसको 1833 के आसपास में दिया है, जो कि इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं मैच कर रहा है। और इस ऑप्शन के हिसाब से 1822 होना चाहिए, जबकि 1822 महालवाड़ी व्यवस्था जो है नहीं लागू हुआ था, वो बाद में लागू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा महालवाड़ी व्यवस्था का सोच जो है उस समय विकसित हो गया था, उसके बारे में ये विचार बनना शुरू हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू तो 30 के बाद ही हुआ था, 32 या 33 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए, कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने से बंगाल की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। किधर गया भैया क्वेश्चन, एक सेकंड। कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने से क्या प्रभाव पड़ा भैया, तो अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है कि अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस गई, ये बंगाल की अर्थव्यवस्था नहीं, बंगाल की अर्थव्यवस्था क्या हुआ, अच्छा कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने से बंगाल की अर्थव्यवस्था क्या पूछा, मुझे लगा कि अंग्रेज़ों की अर्थव्यवस्था तो मजबूत हुई, लेकिन बंगाल की अर्थव्यवस्था क्या हुई, संकट में फंस गई। बी नंबर ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि बंगाल की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खत्म होने लगी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने लागू किया था, तो रैयतवाड़ी अगर व्यवस्था आ जाएगा तो वो हो जाएगा टॉमस मुनरो हो जाएगा रैयतवाड़ी। ठीक है, वही आपका स्थायी बंदोबस्त बताई दिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस और महालवाड़ी जो है वो विलियम बैटिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1770 के बंगाल के अकाल में कितने लोगों की मौत हुई थी, तो जो बंगाल में अकाल पड़ा था, बहुत भयानक अकाल पड़ा था, उसमें लगभग 1 करोड़ लोग जो है मर गए थे, जो उस समय के जनसंख्या का 1/3 था, यानी कि जितना जनसंख्या था उसका 1/3 लोग मर गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मुगल बादशाह ने कंपनी को मिली बंगाल की नवाबी का पत्र किसने हासिल किया, तो किससे हासिल किए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मुगल बादशाह जो द्वारा जो पत्र जारी किया गया उसको किस अंग्रेज को मिला था वो पत्र, तो रॉबर्ट क्लाइव था उसे मिला था। किसे मिला था भैया, रॉबर्ट क्लाइव को। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, स्थायी बंदोबस्त अगर देखा जाएगा तो ये कॉर्नवालिस था, 1793 के आसपास इसने लागू किया। दूसरा क्वेश्चन आई गया कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ, तो 1793 में 1793 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतों को कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था, तो जो रैयत थे वो कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती उगाना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त को निम्नलिखित में से किस से प्रांत में लागू किया गया था, तो स्थायी बंदोबस्त जो था वो बिहार उड़ीसा बंगाल उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, सभी में लागू किया गया था। बंगाल के रैयतों का नील विद्रोह आरंभ हुआ, तो बंगाल में जो रैयतों का नील विद्रोह जो था वो आरंभ हुआ 1859 में। निम्नलिखित में से अंग्रेज द्वारा भू राजस्व की कौन सी प्रणाली चलाई गई, तो भू राजस्व की जो प्रणाली चलाई गई थी वो स्थायी था, महलवाड़ी था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इनमें से सभी व्यवस्थाएँ थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, महालवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी महालवाड़ी व्यवस्था आपका मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में, और वही उसके बाद आपका पंजाब वाला क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश कुछ भागों में, ये सब चीज़ आपको पता है, तो इसमें प्रदेश सिर्फ लिखा है, इसको कर दीजिएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि लिख लीजिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन लिखा कि फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त कर दी, तो जब देखिए जब विद्रोह हुआ था ना मॉरिशस में, ये वहाँ पर जो कैरेबियन द्वीप के पास में जो अफ्रीकी जो गुलाम थे, तो उसके बाद फ्रांस ने क्या किया, 1792 में जो फ्रांस में जो दास प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया 1792 में। महाल क्या है, तो ये गाँव का समूह है, अभी जस्ट बोला कि गाँव का समूह। देखिए चीज़ों को मैं अभी डिटेल में समझा दिया, इसीलिए चीज़ों को जल्दी जल्दी इसको रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि जहाँ फिर समझाने की जरूरत होगी वह फिर समझाऊंगा। अभी जस्ट इसको आप लोगों को लगभग 2-4 मिनट समझाया, सारे क्वेश्चन उसी से बन रहे हैं। स्थायी बंदोबस्त का संबंध जो है वो किससे भैया, तो भू राजस्व से है या टैक्स से है। महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व कौन एकत्र करता है, तो महालवाड़ी जो व्यवस्था तो वो पूरे गाँव का जो मुखिया रहता था, पूरे गाँव का जो समूह रहता था वो एकत्र करता था। नील का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है, तो नील का प्रयोग जो होता है उसका उपयोग जो होता है कपड़े को रंगने के लिए किया जाता है। किसान ने सीधा भू राजस्व लेना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो किसान से सीधा भू राजस्व लेना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाया, जो डायरेक्ट किसानों से लिया जाता था। जमींदारी में तो एक जमींदार रहता था जिसको स्थायी बंदोबस्त का, महालवाड़ी तो पूरे गाँव का ही समूह रहता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में
किस प्रदेश में 1770 में अकाल पड़ा था, तो वो तो बंगाल में अभी जस्ट पढ़े, लेकिन बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। उसके बाद लिखा है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो जो देखिए औद्योगिक क्रांति अगर पूछेगा या मशीनीकरण पूछेगा तो ये 18वीं शताब्दी के आसपास में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और ये चीज़ें अगला जो विश्व इतिहास पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल से बताऊंगा। महालवाड़ी व्यवस्था किसकी देन है, तो महालवाड़ी व्यवस्था अगर पूछेगा तो याद रखिएगा ये मैकेंजी की देन है, ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था वो उसके शासनकाल, किसके शासनकाल में, तो विलियम बैटी के शासनकाल में होल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। महालवाड़ी व्यवस्था किसकी देन है, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया 36 में रहिए। अंग्रेज ने किससे फसल के उत्पादन को सबसे अधिक प्रोत्साहन किया था, तो वो नील का उत्पादन ज़्यादा किया था क्योंकि नील की खेती जो था ना उनको बेचने में पैसा ज़्यादा मिलता था। किसान नील का उत्पादन क्यों नहीं करना चाहते थे, तो इससे क्या होता था ना जमीन उनकी बर्बाद होती थी, मुआवजा कम मिलता था, ज़मीन उनकी उपजाऊ नष्ट हो जाती थी, अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती थी और उपयुक्त मशीन क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा। अगले चैप्टर की तरफ आते हैं, लो चौथा नंबर चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आदिवासी दीकू एम स्वर्ण युग की कल्पना। आदिवासी मतलब जो जनजाति थे जो जंगल में रहते थे, और दीकू जो है बाहरी लोग थे, ठीक है। इन सब के बारे में देखेंगे लोग। सबसे पहले देखेंगे तो लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस वर्ष बिरसा नाम ने एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों में घूमता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो लाइन लिखा हुआ है ना ये पहला ही लाइन है NCERT किताबों का, सबसे पहला ही लाइन दिया हुआ है, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन सीधे सीधे हुबहू उठा दिया है, ठीक है, बिरसा मुंडा के बारे में। तो ये जंगलों में घूमते दिखे थे ये 1895 में, अब बिरसा मुंडा के बारे में एक छोटा सा लाइन दिया हुआ है कि घूमते हुए दिखे गाँव में, लेकिन इनके बारे में टोटल चीज़ हम जान लेते हैं क्योंकि मैं थ्योरी क्लास में आप लोग को डिटेल में पढ़ा चुका हूँ इनके बारे में। बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो 15 नवंबर 1874 में होता है। कब होता है इनका जन्म, 15 नवंबर 1874 को इनका जो जन्म होता है, वो एरिया जो था पूरे एरिया को बिहार बोर्ड में देखेंगे तो बिहार बोर्ड में बहुत डिटेल से लिखा हुआ है क्योंकि बिहार बोर्ड से संबंधित है बिरसा मुंडा, क्योंकि ये झारखंड बिहार एक ही में था, ठीक है। तो इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था प्रमंडल, अगर पूछते कि किस प्रमंडल में इनका जन्म हुआ था, छोटा नागपुर में। थाना पूछते तो तमाड़ थाना के अंतर्गत, यानी तमाड़ थाना वाला एरिया में, छोटा नागपुर प्रमंडल के तमाड़ थाना वाला क्षेत्र में। गांव का नाम था इनका उलीहातू, यानी बिरसा मुंडा गांव का नाम क्या था, उलीहातू था। क्षेत्र था जो मोहल्ला था उसका नाम था चलकद। पूरे डिटेल में लिखा हुआ है बिहार बोर्ड में और ये सारी चीज़ें पढ़ाया हूँ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को, ठीक है, छोटा नागपुर प्रमंडल में तमाड़ थाना अंतर्गत के अंदर, गाँव उनका उलीहातू और क्षेत्र जो था चलकद था। यहाँ पर एग्जैक्ट उनका लोकेशन बता दिए कि कहाँ पर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, और डेट भी याद रखिएगा 15 नवंबर 1874 को। 1895 में ये जंगलों में घूमते हुए दिखाई दिए, उसके बाद से ये अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे, उसके बाद इनको पकड़ा जाएगा, है ना, ये अंग्रेज़ों पर क्या करेंगे, हमला करेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स आप सभी को पढ़ाया हूँ थ्योरी क्लास में। आगे जी अगले क्वेश्चन देखेंगे लो। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह में क्या हुआ, तो पहली बार दो बस्तर विद्रोह जो हुआ था, ये बस्तर विद्रोह MP साइड में, मध्य प्रदेश वाले साइड में हुआ था, ठीक। बस्तर विद्रोह का कारण था उस एरिया में जो जनजाति जो रहते थे उनकी जनजातियों के जो एरिया था, जो जंगल था, उसको अंग्रेज द्वारा धीरे धीरे काटे जा रहे थे, उनको हटाया जा रहा था, उजाड़ा जा रहा था, जिसके कारण बस्तर विद्रोह हुआ 1910 के आसपास में, जो कि मध्य प्रदेश वाला एरिया है। बिरसा मुंडा का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम जो था वो आनंद पांडे था। क्या नाम था भैया, आनंद पांडे। कुछ समय के लिए बिना खेती किए अगर जमीन को छोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, तो परती जमीन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे भैया, परती कहेंगे। और ये ज्योग्राफी में डिटेल से बताया हूँ कि 5 साल से है तो उसको क्या बोलेंगे, 1 साल से 5 साल के बीच में है तो क्या बोलेंगे, 1 साल से नीचे छोड़ा हुआ है जमीन को तो क्या बोलेंगे, सब चीज़ के बारे में डिटेल से समझाया हूँ। आप ज्योग्राफी जो सेशन आएगा उसमें यार चीज़ें फिर कंप्लीट हो जाएगी। भारत में भील जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो जो देखिए भारत की सबसे बड़ी अगर जनजाति कहा जाएगा तो वो भील जनजाति है, ठीक है। अगर भील जनजाति को देखा जाएगा तो वो सिर्फ राजस्थान ही नहीं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, कर्नाटक वाले एरिया में जो है ये कौन सी जनजाति रहता है, तो भील जनजाति, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य में निवास करती है, तो इसके ऑप्शन के हिसाब से मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों होना चाहिए, केरल छोड़ के,
है ना। तो यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है, ऑप्शन ये गलत है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। जिन लोग भी पीडीएफ ले लिए हैं इसको सुधारिएगा, क्योंकि भील जनजाति मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सभी जगह निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन, बिरसा राज्य का प्रतीक था, तो बिरसा राज्य का जो प्रतीक था वो सफ़ेद झंडा था। क्या था भैया? सफ़ेद झंडा है। विष्णु की पूजा करने वाले क्या कहलाते हैं? तो वैष्णव कहलाएंगे, और क्या कहलाएंगे? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो अभी बताया, 15 नवंबर 1874 में। यहाँ 1874 कहीं दिख नहीं रहा है, ऑप्शन इसको भी सुधारिएगा, लिखिएगा 1874 में। साल क्या है? तो साल, सागवान, शीशम ये सब जानते हैं, क्या है? सब पेड़ है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में आदिवासी मुखियाओं तथा उसकी परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? आदिवासी मुखिया का जमीन पर मालिकाना हक हो, हक तो बना रहा है, लेकिन उसकी शासकीय शक्तियाँ छीन गई। आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता था तथा उन्हें नजराना देना पड़ता था। अंग्रेज के आने से पहले कई जगहों पर आदिवासी मुखियाओं की अपनी पुलिस होती थी और जमीन एवं प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित थे? तो भोटिया जनजाति अगर पूछेगा तो वो उत्तराखंड हो जाएगा, वही कंद पूछता तो उड़ीसा का हो जाता, ठीक है। तो भोटिया कहाँ का भैया? उत्तराखंड का है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि ब्रिटिश काल में झूम खेती के लिए संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और झूम खेती के बारे में जो भूगोल है उसमें डिटेल से समझाया हूँ, फिर दोबारा आप लोगों को समझा दूंगा। तो जो झूम खेती है वो पूर्वोत्तर राज्य में जो झूम खेती होती है वो खेती को झूम खेती कहा जाता है। कौन सी खेती को? उसमें क्या किया जाता है? जंगलों को काट के उसको जला के उसके राख को उसी मिट्टी में मिला देता है। राख में होता है पोटाश, की पोटाश की मात्रा बढ़ जाए और जो क्या है, ज़मीन जो है उपजाऊ हो जाए। इसमें क्या है कि इसमें लोग जो है छोटे भूखंडों को पेड़ों के ऊपर हिस्से को काट कर वहाँ घास की मतलब झाड़ियों में जलाकर साफ कर देते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा हुआ है कि ऐसे खेती करने वाले किसान पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय एवं जंगली पट्टियों में रहते हैं। ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न भागों में जनजातीय समूह बदलते कानूनों और व्यवहार पर लगी पाबंदी नई करों और व्यापारी महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। अब विद्रोह के बारे में पूछ रहा है, कौन विद्रोह कब हुआ? तो जो विद्रोह हुआ था उसमें देखेंगे तो कुल विद्रोह देखेंगे तो ये 1831 और 32 के बीच में हुआ था। और वही कुल विद्रोह के बाद जो हुआ था वो हुआ था संथाल विद्रोह 1856 में, 55-56 में। उसके बाद से बस्तर विद्रोह हुआ 1910 में। उसके बाद वर्ली विद्रोह हुआ वो महाराष्ट्र के 1945 में। इस तरह पहले हो जाएगा कुल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह और वर्ली विद्रोह। अगला क्वेश्चन आएंगे 14 नंबर क्वेश्चन, बंजारा जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? तो देखिए बंजारा जनजाति जो है ना वो मौसम के हिसाब से अपने जगह बदलते रहते थे। तो जो बंजारा जनजाति है वो किस राज्य में निवास करती हैं? तो याद रखिएगा वो निवास करती है महाराष्ट्र में। झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए झूम खेती का जो नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो झूम की खेती को पूर्वोत्तर भारत में झूम की खेती कहा जाता है, अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम है। तो झूम खेती जो है किस नाम से जाना जाता है, अन्य किस नाम जाना जाता है? तो याद रखिए घुमंतु कृषि और कर्तन दहन कृषि। बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? बिरसा मुंडा के पहले देखेंगे तो बिरसा मुंडा के समर्थकों को दिकू और उत्पीड़न के आज़ाद करने के लिए आंदोलन किया, ठीक है। बिरसा मुंडा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के लिए आंदोलन था, ये भी सही है। अंग्रेज को बिरसा मुंडा के आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य कोई परेशान नहीं था। अंग्रेज को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से कोई परेशान नहीं था, नहीं परेशान तो थे, यही गलत लग रहा है। चौथा नंबर का सफ़ेद झंडा बिरसा का प्रतीक था, तो ये सही है। डी नंबर नहीं होगा, सी होगा आंसर। यहाँ हो गया बोले दो नंबर चैप्टर कंप्लीट, यानी तीसरा और चौथा कंप्लीट हो गया और पाँचवा बच गया, छठा बच गया, इसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो यहीं पर वीडियो को करते एंड, और MCQ सीरीज़ जो है ये कैसा चल रहा है आप सभी कमेंट करके बताते रहिएगा, ताकि मैं भी जो है कंटिन्यू आप लोग को
जो वीडियो जो है लाता रहूँ और आप सभी को अपलोड करते रहूँ। ठीक है, तो यहाँ वीडियो को एंड करते हैं, फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।